नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कोरोना वायरस के चलते अब तक 722 लोगों की जान जा चुकी है। वायरस के चलते कई देश चीन में फंसे अपने आम लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। चीन से बाहर भी हालांकि कई लोग ऐसे फंसे हुए हैं। ऐसे ही जापान का एक क्रूज शिप है डायमंड प्रिंसेस, इसमें अब तक 64 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। इस शिप को जापान के योकोहामा में अलग रखा गया है ताकि वायरस ना फैले। बता दें, शिप जापान से हांगकांग गया था, जहां एक आदमी वायरस की चपेट में आ गया है। इसके बाद शिप को वापस बुला लिया गया है और अब 14 दिन तक इसे अलग रखा जाएगा और जांच की जाएगी। बता दें, शिप में कुल 3300 लोग हैं, जिसमें से 138 भारतीय है। इन भारतीयों में 6 क्रू मेंबर है और 132 यात्री शामिल हैं। फिलहाल भारतीयों में कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाया गया है। अब तक ज्ञात मामलों में चीन से ज्यादा संक्रमित लोग इसी शिप में मौजूद हैं। वहीं से स्टाफ के एक सदस्य ने बताया कि डायमंड प्रिंसेस से लोगों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है, साथ ही कई चीजों में मदद के लिए सेना को भी बुलाया गया है। बता दें, एक भारतीय क्रू सदस्य विनय कुमार ने फेसबुक के जरिए मदद भी मांगी है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि यहाँ हम सब मर रहे हैं, हमें प्लीज बचा लिया जाए। फिलहाल शिप को 19 फरवरी तक अलग रखा जाएगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि कोरोना वायरस की वजह से जापान में अलग थलग रखे गए क्रूज डायमंड प्रिंसेस में कई भारतीय क्रू और यात्री सवार हैं। अभी कोई भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव नहीं पाया गया है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। हाय गाइस, दिस इज आलिया भट्ट, यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। कीप वाचिंग।